तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, और रात की आखिरी क्लास है और हमारे साथ सिद्धार्थ जी और विपिन जी ज्वाइन कर रखे हैं। तो बेसिकली हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने बताया कि किस तरीके से हम ग्रेटर देन हाईलाइट्स कर सकते हैं, टॉप बटन्स वगैरह निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे मोर रूल्स मिलता है। मोर रूल्स के अंदर कुछ सारे कंडीशंस होते हैं, जैसे कि बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब इनको लगाना कैसे है, तो आपको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट कर लिया नॉट बिटवीन, अपना कंडीशन दिया कि 80 तक, और यहां से आप फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। तो आपकी जो सिलेक्टेड एरिया होगा उसको इस नंबर के बीच की वैल्यू को हाईलाइट नहीं करेगा। देखिए इसमें सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू की जगह पे हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। टेक्स्ट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कंटेनिंग आता है, यहाँ पे नॉट कंटेनिंग, और यहाँ पे आता है बिगिन। जैसे मान लीजिए कि पूजा सिंह है, मैं चाहता हूँ कि पूजा सिंह, पहले पूजा आना चाहिए या पहले सिंह आना चाहिए, ऐसे कोई वर्ड से स्टार्ट हो या खत्म हो, इसको हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नो एरर, एरर का ये एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। कभी कभी क्या होता है, जब हम डेटा लगाते हैं तो डेटा पे हमारे पास डेटा भी आते हैं और कई सारे एरर्स आते हैं। यहाँ पे कई सारे एरर है, तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ मेरा डेटा दिखे, ये जो एरर है ये एरर ना दिखे। मुझे क्या दिखे? डेटा दिखे, एरर ना दिखे। तो हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमने डेटा लिया और यहाँ चले गए कंडीशन फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स या फिर मोर रूल्स में, और यहाँ सेल वैल्यू की जगह पे एरर सेलेक्ट कर लिए और फॉर्मेट में गए। और इसके हम बैकग्राउंड कलर कुछ नहीं करने वाले हैं, हमारा जो फॉन्ट कलर है इस फॉन्ट कलर को हम क्या करेंगे, यहाँ से व्हाइट, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, यहाँ से हम व्हाइट कर देंगे। तो बैकग्राउंड व्हाइट है तो फोरग्राउंड व्हाइट होगा, तो आप पे एरर नहीं दिखेगा। तो इसी तरह से चीजें होती है। लेकिन अब जो मैं करने जा रहा हूं थोड़ा सा अलग कंडीशन है। देखिए अभी तक हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग में जितने भी ऑप्शन इस्तेमाल किए उसमें क्या था कि जहां मेरा कर्सर था वहीं पे, जहां मेरा सिलेक्शन था वहीं पे कलर्ड हुआ। अब मैं थोड़ा चाहता हूं अलग, मैं चाहता हूं कि जो मेरा डेटा है ये डेटा का जो सम है, मतलब इन सारे का जो सम है वो अगर 500 से ऊपर आता है तो पूरी की पूरी हमारी रो हाईलाइट हो जाए। अगर 500 से नीचे आता है तो हाईलाइट ना हो, 500 से ऊपर पे ही हाईलाइट हो। तो इसके लिए हमें कोई अलग कंडीशन तो नहीं है, हमें फॉर्मूला लगाना होगा। अब ध्यान रखिएगा जब भी आप फॉर्मूला लगाएंगे सिंगल सेल सिलेक्ट करेंगे, जी हाँ सिंगल सेल। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम न्यू रूल्स, और इसमें सबसे लास्ट में आता है यूज फॉर्मूला। इक्वल हमने सम दिया और सम में हमने इसको सिलेक्ट कर दिया और हमने बोला कि ग्रेटर देन 500। लेकिन इसमें डॉलर का साइन लगा, डॉलर का साइन लगा हुआ है तो दिक्कत हो सकती है, तो हमने नंबर के आगे का डॉलर साइन हटा दिया। जो अल्फाबेट है मतलब कि जो कॉलम है सामने का डॉलर में रहने देता हूँ। अब डॉलर साइन इसलिए हटाया जब मैं इसको मैंने कि एक सिंगल सेल पे अप्लाई है ना, तो इसकी फॉर्मेट पेंटर से मैं बाकी पूरे में पेंट करूंगा, तो जो 2 है वो 3, 4, 5 ऐसे इंक्रीज होना चाहिए। इसलिए तो फॉर्मेट सेल की हम फिल पे आते हैं और हम सिलेक्ट करते हैं कलर को, फिर फॉर्मेट पेंटर से जहां तक आपका डेटा है आप वहां तक कर दीजिए। तो जहां जहां greater than 500 था वो देखिए कलर हो गया, जहां पे greater than 500 नहीं था वो आपका कलर नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आया आपको सर? अब चलिए कुछ और फॉर्मूले लगा के देखते हैं। एग्जाम्पल, मैं अपना यहाँ अकाउंट नंबर ऐड करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे अकाउंट इस कॉलम में कोई भी सिर्फ नंबर टाइप करे, जैसे ही टेक्स्ट टाइप करेगा वो हाईलाइट हो जाएगा। तो किसी सेल में नंबर है या वैल्यू है कैसे पता चले, इसको पता करने के लिए आपको यहां पे क्या करना होगा, इज टेक्स्ट का फॉर्मूला। इज टेक्स्ट का फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं तो अगर नंबर होगा तो फॉल्स और टेक्स्ट हुआ तो ट्रू आएगा, और कंडीशन फॉर्मेटिंग ट्रू पे ही वर्क करता है। एक सिंगल सेल को सिलेक्ट करूंगा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स में आऊंगा, यूज फॉर्मूला, और यहां पे मैं करूंगा इज टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। अब इसमें ट्रू फॉल्स डालने की जरूरत नहीं है, मैं फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा और अपनी कंडीशन दूंगा एंड ओपन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ट्रू पे ही वर्क करता है आपका एक्शन। दैट ओके, एक मिनट कुछ प्रॉब्लम है इसमें, एक फालतू का करैक्टर लग गया है। अब फॉर्मेट सेंटर से नीचे की तरफ मैंने पेंट कर दिया। अब नंबर डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे टेक्स्ट डालेंगे वो कलर्ड हो जाएगा। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ मोबाइल नंबर लिखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कोई भी पर्सन इसमें मोबाइल नंबर गलत एंट्री ना कर सके, मतलब कि मोबाइल का जो डिजिट है वो 10 डिजिट्स के बराबर होना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो इसमें कितना डिजिट है कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे लेन का। लेन फॉर्मूला, हम इसको क्लिक करते हैं, देखिए इसका लेंथ इसमें दिखा दिया। तो यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स में यूज फॉर्मूला, और मैं यहाँ इक्वल टू फॉर्मूला देता हूँ लेन का, लेन, और हमने इसको सिलेक्ट किया और मैंने बोला नॉट इक्वल टू 10। नॉट इक्वल टू साइन देख रहे हैं क्या है, ग्रेटर देन एंड लेस देन का साइन दे दिया, तो ये हो गया नॉट इक्वल टू। ठीक है सिद्धार्थ जी, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। अब इसमें हम फॉर्मेट में जाके कलर अप्लाई करते हैं, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब मैं नीचे तक पेंट करूंगा तो कलर हो जाएगा, मतलब कलर करूंगा मैं तो गलत टाइप करूं तो कलर होना चाहिए ना। देखिए होता क्या है कि हमने लेन का फॉर्मूला लगाया, और लेन का फॉर्मूला अगर ब्लैंक सेल होता है तो रिजल्ट 0 देता है, और आपका 0 भी तो नॉट इक्वल टू 10 है ना। यस तो मुझे इसके अंदर कंडीशन देना होगा कि भाई इसकी लेन नॉट इक्वल टू 10 एंड सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। अब कंडीशन फॉर्मेटिंग में हम डायरेक्ट जो है 2 कंडीशन नहीं दे सकते, इसमें हमें एक ही कंडीशन दे सकते हैं। बट मेरे पास 2 कंडीशन है और दोनों रिक्वायर है कि दोनों होने ही चाहिए। इस केस में मैं उस कंडीशन को एंड के अंदर डालूंगा, एंड फॉर्मूले का। एंड पहला कंडीशन हमने बोला नॉट इक्वल टू 10, और दूसरा हमने बोला कि E2 इज ग्रेटर देन 0। समझ में आया आपको सर? सिद्धार्थ जी यस सर। E2 ग्रेटर देन 0 मतलब E2 का क्या मतलब आएगा सर यहाँ पर? देखिए अगर इस पे कोई भी सेल वैल्यू डला है, कुछ भी टाइप है, तो 0 से बड़ा है। यस, इसलिए हमने ग्रेटर देन 0 कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ, तो अब जो है नॉर्मल हो गया, लेकिन जैसे मैं कई नंबर डालू और कम डिजिट का डाला वो हाईलाइट। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 अक्टूबर का डेट ही डालना, अक्टूबर का डेट डाला और मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया इसका टेक्स्ट का। टेक्स्ट फॉर्मूले में हमने 3 बार डीडी मतलब कि जो हमने कस्टम फॉर्मेटिंग में सीखा था वो लगा दिया, तो इसका डेज आ गया। डेज आ गया फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे वगैरह। अब इसमें क्या है कि मुझे सैटरडे एंड संडे पे हाईलाइट करना है। अगर सेल की वैल्यू सैटरडे या संडे हुआ तो हाईलाइट हो जाए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम जाते हैं न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला। अब यहाँ पे मुझे 2 कंडीशन देने तो हैं बट दोनों रिक्वायर नहीं है, एंड नहीं डाल सकते क्योंकि एक सेल पे या सैटरडे हो सकता है या संडे हो सकता है। सैटरडे एंड संडे दोनों इकट्ठा नहीं हो सकता ना, क्या सर? यस। यहाँ पे हमने और का फॉर्मूला लगाया और हमने बोला कि K2 = सैटरडे कॉमा अगेन K2 = संडे। तो K2 इज सैटरडे एंड K2 संडे। फॉर्मेट में गए, हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई किया, ओके एंड देन अब यहाँ फ्राइडे क्यों हाईलाइट हो गया? हाँ, फ्राइडे क्यों हाईलाइट हुआ? क्योंकि हमने K2 कर दिया था जबकि मुझे K1 करना चाहिए था ना सर, छोटी सी मिस्टेक हो गई। अब फॉर्मेट पेन फिर से आप नीचे की तरफ पे। तो इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत सारे फॉर्मूले लगाए जा सकते हैं, लेकिन क्या है जब तक हमने फॉर्मूले पढ़े नहीं, जब फॉर्मूले पढ़ेंगे तो इसमें और ज्यादा बात करेंगे। अभी जैसे मान लीजिए हम आइकन्स पे आते हैं, हमने लास्ट टाइम हमने बताया था कि आइकन्स को कैसे आप ऐड कर सकते हैं, राइट? क्या आइकन को अपने हिसाब से रख सकते हैं, उस कंडीशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक ट्रेनिंग सेंटर का स्कोर है, मुझे ग्रेटर देन 60 आया तो मुझे यहाँ पे पास करना है। 42 60 है तो मुझे यहाँ रीटेस्ट देना है और लेस देन 40 को मुझे यहाँ पे फेल करना है, ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. तो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन्स में गए और ए वाली आइकन को चूज कर लिया। बड़ी जो आइकन लगा है हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग थोड़ी लगा है सर। आप देखिए 60 को भी मार्क दे रहा है, तो इसके लिए हमें इसके कंडीशंस में जाने होंगे मैरिज रूल्स में और इस पे जाके हमें यहाँ देखिए। अब देखिए परसेंट है मतलब कि वो परसेंटाइल के अकॉर्डिंग परसेंट निकालना है। यहाँ पे मुझे नंबर देने हैं, हमेशा नंबर लीजिएगा। यहाँ भी हमने नंबर लिया और यहाँ पे हमने ग्रेटर देन का साइन है हमारा, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया 60 और ए मैंने लगा दिया 40। तो 40 to 60 के बीच में आएगा तो ए आएगा, 60 से ऊपर ए आएगा और 40 से नीचे आएगा तो क्वेश्चन मार्क आपको देगा। अप्लाई किया, हो गया। अब मैं यहाँ पे 3, 2, 1 कर देता, इसको सिलेक्ट किया, कस्टम में गया, तो माफ कीजिएगा कस्टम कंडीशन फॉर्मेटिंग में आइकन्स। अब यहाँ पे देखिए 3 to 1 लिखा हुआ नंबर आ रहा है, हर कोई के दिमाग में रहेगा कि नंबर क्या है। तो मैनेज रूल्स में जाइए, डबल क्लिक पे जाइए, यहाँ पे दिखेगा रिवर्स और यहाँ पे सिर्फ शो आइकन ओनली। तो इसको अप्लाई करते ही आप देखिए सिर्फ आइकन ही शो होगा। अब इसका यूज हम लोग कर सकते हैं इस फीचर का। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक सेल्स फिगर है यहाँ पे, फिगर है, तो मैं चाहता हूँ कि ये सेल का जो फिगर है ना इसका जो टोटल है, इसका जो इस पे जो हम एक लगाना चाहते हैं बार, ये जो हमारा बार दिख रहा है ना ये बार हम लगाना चाहते हैं, पर ये बार जो लगाते हैं तो इसी सेल में आता है, मैं चाहता हूँ नहीं इसके बगल वाले सेल में आता, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन हमें चाहिए तो हम क्या करते हैं, इक्वल करके इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करके मैंने लिंक क्रिएट कर दिया, ऐसा इसलिए कि मान लीजिए चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। फिर दोनों को इसको सिर्फ ऊपर सेलेक्ट किया और इस पर हमने अपना डेटा बार अप्लाई कर दिया। अब मुझे नंबर शो नहीं करवाना है तो इसके लिए हम यहाँ कंडीशन फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल में आता हूँ, डबल क्लिक, और यहाँ देखिए शो बार ओनली एंड ओके कर दिया। अब इसमें ब्लैक का बॉर्डर है तो यहाँ पे अब बॉर्डर भी नो बॉर्डर है, सॉलिड बॉर्डर यहाँ पे दे सकते हैं। ओके एंड अप्लाई, ठीक है। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में इस तरह करते हैं। अब कंडीशन फॉर्मेटिंग में एक अगला ऑप्शन आएगा जो कि हम आपको बताएंगे, तो फॉर्मूला की क्लासेस दे देंगे उसके बाद। फिलहाल कंडीशन फॉर्मेटिंग पे आप प्रैक्टिस कीजिए। कल जो है हम बात करेंगे प्रोटेक्शन मेथड के बारे में कि हम डेटा को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस विषय में हम कल जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। राइट सर। सर ये दोनों जो मेरे पास है ना आप शेयर कर देना, क्योंकि एक्चुअली मेरे यहाँ से रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है सर, ना तो उसमें हो पा रहा है, पीसी में ना ही मोबाइल में हो पा रहा है। ठीक है।